पूर्णिमा नीरज सिंह निकल चुकी है मतदान करके, सीधे ऋषिकेश का रुख करते हैं। आसिया बिल्कुल, हम लोग इंतजार कर रहे थे और हम लोग को लग रहा था कि कोई मसालेदार खबर मिलेगी, लेकिन आप सही वक्त पर पहुंची मैडम। हम लोग यही पूछ रहे थे कि देखिए शहरी मतदाताओं में जो वोटिंग परसेंटेज है आपके झरिया में, हालांकि धनबाद से बेहतर जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ रहे हैं, लोग आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती हैं, निजी मुद्दे खास करके राज्य स्थानीय मुद्दों की बात करती है, बावजूद उसके मतदाताओं का भरोसा उस तरीके का नहीं हो पाया है। महज अगर 45, 48, 50, 52% वोट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा लोकतंत्र तो नहीं कर सकते इसको कि चुनावी माहौल है। जी जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग छलावा महसूस करते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती है, राजनीति करने के लिए होती है। और मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने किया तो नहीं है कुछ, इसलिए लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। अब मैं कहना चाहूँगी कि जो रूरल एरियाज वाला जो है, जो कोलेरी बेल्ट है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 60% डाला है लोगों ने वोट जब तक मैं गई थी तब तक, बिकॉज मैं हर बूथ पे जा रही थी और लोगों से पूछ रही थी, तो लगभग 60% वोटिंग हो रही थी। अर्बन एरियाज में कम था, बट मुझे लगा कि दोपहर के बाद बढ़ गया होगा। एक और सवाल था मैम झरिया पर जाने से पहले, धनबाद में चूंकि आप रहती हैं, धनबाद के मतदाता हैं, यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, हालांकि 9 में कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती थी, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं राज सिन्हा वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों के आधार पर बात करिए, बतौर एक आम मतदाता या नागरिक होने के नाते धनबाद विधानसभा में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं, मसलन यहाँ बिजली सड़क और खास करके जब घर घर नल का बात हो रहा है 2022 तक वो पूरा करेंगे, तो एक आम मतदाता होने के नाते वो सुविधाएं आपको लग रहा है कि संतुष्ट करती हैं कि जिसके बूते कहा जाए कि नहीं किसी राजनीतिक दल को हम वोट करें और बार बार करें? नहीं, अगर बात रही मुद्दों की और वादों की तो वो तो कहीं पूरे नहीं हुए हैं। देखिए अब उसके अलावा लोगों के पास ऑप्शन क्या है, लोग इस पे जाते हैं तो अब उनके पास टिकट है, अच्छा टिकट है तो मिलेगा, वोट जीतेंगे मिलेगा। झरिया को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार एक अलग तरह का चुनाव है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2000 के बाद वहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, वहाँ विस्थापन को लेकर और रोजगार को लेकर एक बड़ा इशू है और शायद पहली बार विपक्ष वहाँ इस इशू को शामिल रखने में कामयाब हुआ है। विस्थापन को लेकर सरकार करे कि हम एक नया झरिया बनाएंगे, रोजगार के मसले को हम आगे करेंगे। हमारा सवाल ये कि अगर आप आती हैं विधानसभा में चुनकर, तो आपके पास ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट होगा कि अचानक से किसी शहर को रातों रात शिफ्ट कर देंगे, जो काम सरकार नहीं कर पाई है उसके लेके आपके पास कोई है कि वहाँ के विस्थापन और रोजगार? देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि हम रातों रात शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है। मैंने हमेशा ये कहा कि जो भी विस्थापन होगा वो न्यायपूर्ण होगा, जो वो चाहेंगे उन्हें जबरन नहीं हटाया जाएगा, जो भी विस्थापन होगा और जो मुआवजा है उनका वो न्यायपूर्ण होगा, या उसकी जगह जो नौकरी का वो वादा करते हैं आपको BCCL प्रबंधन करता है वो मिलेगा उन्हें, ये नहीं कि जबरदस्ती उन्हें हटाया जाएगा। ऐसा कोई ब्लूप्रिंट कहीं, ऐसा ब्लूप्रिंट तो सरकार के पास भी नहीं है। सरकार इतने सालों से, सरकार तो मैडम कर रही है, वहाँ मुख्यमंत्री कहे कि 2022 तक हम आपको शिफ्ट कर देंगे एक नया झरिया बनाएंगे। देखिए एकदम झूठ है, जिसको अगर पता है नया झरिया के, आपने न्यू बेलगड़िया टाउनशिप नहीं देखी है जाके, वहाँ इतने अमानवीय तरीके से लोगों को 9x11 के कमरे में डाल दिया जाता है जिसमें 2 छोटे बाथरूम, मैंने तो जाके देखा है ना, और ना उनकी वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, जब इसका उदाहरण वो दे चुके हैं हमें, तो विश्वास करना मुश्किल है कि वो फिर से नया बसाएंगे और करेंगे। लेकिन हमको उजाड़ने में नहीं, हमें बसाने में इंटरेस्ट है, तो जो बचा है हम उसे बचाने का कोशिश करेंगे। और सवाल है, मैं आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा हो रही है क्योंकि आपके जरिया में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग 15% के आसपास आबादी अल्पसंख्यकों का है, जो नागरिक संशोधन बिल आया, या जब आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जब दुमका में थे और उन्होंने रैली की गोड्डा में, तो कहा गया कि रेप कैपिटल उन्होंने कहा, चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने अर्जी डाली और उस पर अब रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे और आपके लीडरशिप को चुनौती दी जा रही है, बैकफुट पर करने की कोशिश की जा रही है, या वो मुद्दे आपको दिख रहे हैं नागरिक संशोधन बिल को लेकर, सरकार करेगी 3 तलाक पर हमने बेहतर काम किया है? देखिए मैं नागरिक संशोधन बिल तो जब यहाँ लाया जाएगा तब मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा चुनाव का मुद्दा है कि मैं झरिया को ही राष्ट्रीय मुद्दा समझती हूँ, लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? आज वहाँ पे आप आकर देखिए जैसी समस्याएं हैं, मुझे लगता है वही एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं खंडन करती हूँ राष्ट्रीय होना चाहिए। आपके नेता पर भी सवाल उठा है कि रेप कैपिटल आप कर रहे हैं, आप झारखंड के इमेज को खराब कर रहे हैं। अब देखिए राजनीति है, लोग एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो उसमें मैं क्या बोलूँ। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना जो वोट किया आपने वो अगर आप दिखाएं तो ये देखिए पूर्णिमा नीरज सिंह हैं,
आखिरी वक्त में इन्होंने वोट किया, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है कि आपने वोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 11 से बात करने के लिए। तो आसिया, वोटिंग का वक्त अब लगभग लगभग खत्म हो गया है, 2 से 4 मिनट का वक्त बचा है और लोग अब अपनी जो पैकिंग की प्रक्रिया है, ईवीएम को अब पैक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ से ईवीएम अब सील होगा और सील होकर एक सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसे ब्रजगृह ले जाया जाएगा और फिर जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो फिर उस दिन उसकी गिनती होगी। बाकी की जो प्रक्रिया है अब से महज कुछ मिनटों का वक्त बचा है जब शुरू हो जाएगा। चलिए ऋषिकेश, अरविंद और शहनवाज, आप तीनों बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। बस कुछ मिनट का और वक्त, जब मतदान का वक्त खत्म हो जाएगा, 5 बजे तक मतदान हो रहा है 10 सीटों पर, उसके बाद तमाम अपडेट हमारे सहयोगी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ होगी राजदा।